क्या देश की राजधानी दिल्ली में रहना अब दूभर हो जाएगा? जी हां, ये हम नहीं बल्कि NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है। उनका कहना है कि यदि इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल punjabkesari.com को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका punjabkesari.com में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली सबसे आगे है। NCAP ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दिल्ली में PM2.5 का प्रदूषण दर्ज किया गया, जो 2019 से 7.4% घटा है। इसके अलावा 2019 के 108 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से घटकर ये 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गया है। 2019 की लिस्ट में राजधानी से ऊपर के दो शहरों गाजियाबाद और नोएडा में क्रमशः 22.2% और 29.8% का तेज सुधार दर्ज किया गया है। बता दें कि 2022 में गाजियाबाद का माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर 91.3 है, वहीं फरीदाबाद का 95.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र ने 2019 में NCAP लॉन्च किया था, जिसमें प्रमुख एयर पॉल्यूटेंट यानी PM10 और PM2.5 को 2024 तक 131 नॉन अटेनमेंट अर्बन सिटीज में 20-30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। राजधानी का वार्षिक PM10 जो 2022 में 213 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया था, 2017 के बाद से केवल 1.8% की मामूली सुधार हुआ, जो बहुत कम है। PM10 के स्तर के गाजियाबाद में 10.3% और नोएडा में 2.3% का सुधार हुआ है। PM10 का राष्ट्रीय सुरक्षित स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। क्लाइमेट ट्रेंडर्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा कि हालांकि CPCB ने नॉन अटेंडमेंट वाले शहरों के लिए पहले ही सख्त कमी लक्ष्य जारी कर दिए हैं, हम NCAP के लिए मूल लक्ष्य 2024 में सिर्फ एक साल दूर है। उन्होंने कहा कि कई शहर अभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से दूर है और योजनाओं को और कड़े उपायों के बिना ऐसा करने में असमर्थ हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी लिविंग साइंस के संस्थापक और CEO रौनक सुतारिया ने कहा कि सबसे अधिक हानिकारक PM पॉल्यूटेंट के लिए है, जिनके PM10 की तुलना में अलग अलग सोर्स होते हैं, लेकिन मामूली सुधार अब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे पता चलता है कि पॉल्यूटेंट के महीने सोर्स को कम करने के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। यानी सीधी सी बात इतनी सी है कि यदि सुधार समय रहते नहीं किया गया तो दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसमें गलती हमारी ही है, समझना हमें ही होगा। बने रहिए punjabkesari.com के साथ।